माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नई दिल्ली में भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भोपाल के रविंद्र भवन से कार्यक्रम में वर्चुअली सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से हमारे कारीगर अपनी स्किल को स्केल कर सकेंगे। ये योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप भी आधुनिक विश्वकर्मा हैं। आप आने वाले समय में मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसलिए हमने अपनी ITI को बेहतर करने का भरपूर प्रयास किया है। बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश में देश का सबसे अनोखा ग्लोबल स्किल पार्क बनकर तैयार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय ITI दीक्षांत समारोह में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल खिल के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बहन ममता का आवेदन भरकर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना इसलिए बनाई है ताकि जिनके पास मकान नहीं है और किसी आवास योजना में पात्र भी नहीं है, उन्हें भी पक्के मकान का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरा सपना है कि मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहे, छोटा ही सही लेकिन उनका पक्का मकान बन जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत बहन श्रीमती संगीता सोलंकी का पंजीयन किया व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर अब 450 रुपए में मिलेगा। योजना के लिए हर गांव और शहर की वार्डों में फॉर्म भरे जाएंगे। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में आज सीएम श्री चौहान ने भोपाल के श्यामला हिल स्थित उद्यान में बरगद, कदम और जामुन के पौधे रोपे।